पलवल में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसों द्वारा सभी नियम और कायदों को ताक पर रखकर यात्रियों को बसों की छतों पर बिठाकर जानलेवा सफर करवाया जा रहा है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हरियाणा रोडवेज विभाग, स्थानीय जिला प्रशासनिक अधिकारी और आरटीए आदि की तमाम मशीनरी आंखें बंद कर तमाशा देख रही है। यही नहीं, अधिक किराया वसूली की शिकायतों पर भी आरटीए के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें कि पलवल में हरियाणा रोडवेज की बसों की छतों पर सवार होकर जानलेवा सफर करने वालों ज्यादातर नौजवान व छात्र होते हैं, जो बसों की छतों पर बैठकर सवारी करना अपनी शान समझते हैं। और तो और ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर ऐसी कई बसें दौड़ रही हैं। आए दिन सड़कों पर इस तरह की दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इसके बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। लोग जानबूझकर बसों की छतों पर बैठकर सवारी करते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन की निष्क्रियता साफ झलक रही है। इतना ही नहीं, सड़कों के किनारे बिजली के नंगे तार छत पर बैठे लोगों को अपनी चपेट में लेने के लिए सदैव खतरे का संकेत देते रहते हैं। इसके अलावा सड़क में बने गड्ढे बसों को दाएं बाएं झकझोरती रहती है, जिससे छत पर बैठे लोगों के गिरने का डर भी बना रहता है। और अगर वाहनों की टक्कर हो जाए तो फिर हादसा कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बहुत ज्यादा ध्यान देते, एसएस बार-बार कहता है, चौकी वाले से कह दी भैया ऊपर जाइए, कोई हादसा हो जाएगा। आरटीओ वालों से शिकायत भेज ली इनकी, पर कोई सुनाई नहीं हो रही। जिम्मेवारी सबसे पहले किसकी बनती है? बस स्टैंड से, बस स्टैंड इसकी बनती है। हमारे स्टैंड सुपरवाइजर लगे हुए हैं यहाँ पर, एसएस साहब हैं वो है। और पुलिस का क्या रोल है? पुलिस का यहाँ चौकी हमारे पास इनकी फुल ड्यूटी है, इसलिए बस अड्डे हमें जगह दे रखी है चौकी पे बस अड्डे सुरक्षा के लिए। क्या कारण है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों की बसें हैं प्राइवेट या कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसें? हमारी रोडवेज की बसों पर छतती नहीं है जी, छत है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली बसों के ऊपर छत है। अब पैसे का बहुत ज़्यादा लेन देन है या कोई प्रभावशाली लोगों की बसें हैं, क्या क्या कारण है ऐसे जो कानून का उल्लंघन किया जा रहा है? तो सोसाइटी वालों को कैसे बताएं, पैसों वालों की है या किसी को, सरकार ने इनको परमिट दे रखे हैं, परमिट का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी पीछे करीब 1.5-2 साल पहले पानीपत में उसमें करनाल में हादसा हो गया था छत के कारण भी। ITI के बच्चों चढ़ रहे थे, जाल टूट गया था। उस पर सरकार ने हिदायत जारी कर दी, किसी भी बस पर कोई छत नहीं रही, चाहे सरकारी बस हो या प्राइवेट बस हो। जो नियम रोडवेज के हैं वही कोऑपरेटिव वाले इनके लिए नियम लागू, लेकिन ये अपनी मनमानी चलाते हैं। अधिकारी पंगु कोई अधिकारी कहता भी है तो MLA मंत्री इनके फोन करा देते हैं। हादसों से चिंतित वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा रोडवेज की तमाम बसों से छत व सीढ़ियों को हटवाया जा चुका है। यही नियम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसों पर भी लागू होते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसों का संचालन करने वाले लोग प्रशासनिक अधिकारियों को खुश करते हुए जमकर चांदी कूट रहे हैं। ये न केवल निर्धारित संख्या से 3 गुना तक सवारियों को ढोने का काम कर रहे हैं, बल्कि निर्धारित किराए से भी अधिक किराया वसूल कर रहे हैं। ऊपर से आरटीए की तरफ से अधिक किराया वसूली की शिकायतों पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिसका साफ मतलब है कि या तो प्रशासनिक अधिकारियों पर अवैध संचालन के MLA और MP आदि का भारी दबाव है, या फिर उन्हें भी अवैध कमाई में से हिस्सा मिलता है। अभी बस स्टैंड पे खड़ी हुई, यहीं से ही बैठ करके जा रहे हैं। बस स्टैंड की चार दीवारी पर तो ऐसा कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? बिल्कुल हम ही करेंगे, आगे आपको शिकायत करने वाले मिलेगा। कितनी बसें हैं इस तरह की जो छतों पर सवारी को लेकर के जा रही है? 15-20 बस। किस किस रूट पर चलती है ये? RTO केंद्र आते हैं, RTO केंद्र आते हैं, RTO पलवल और गुड़गांव। रूट कौन कौन से हैं वैसे? दारूगढ़ रूट पर ज़्यादा, तो मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा नहीं दिखेगा यहाँ पे? नहीं, सुधार करेंगे, आगे ऐसा नहीं होगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस के DSP सत्येंद्र सिंह ने बसों की छतों पर अवैध रूप से सवारियों को ढोने पर कहा कि वो समय समय पर अभियान चलाते हैं और बसों का चालान भी करते हैं, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। देखिए, इस बारे में जो ट्रैफिक है उसमें समय समय पर चालान होते रहे हैं और हमने विशेष उसका कैंपेन चला के भी सभी लोगों को जागरूक किया गया है और भविष्य में और निगरानी बढ़ाई जाएगी इस मामले में और अत्यधिक चालान किए जाएंगे। देखिए, इसमें जो RTA डिपार्टमेंट है उसके द्वारा भी चालान किए जा रहे हैं और लोकल पुलिस द्वारा भी इसमें कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके लिए DC साहब से बात करके पहले भी विशेष अभियान एनक्रोचमेंट का और ट्रैफिक का चलाया गया था और भविष्य में भी आगे और अभियान चलाए जाएंगे। सर, जो भी अभियान चलाया जाता है वो चंद दिन में चलाया जाता है, लेकिन वो बंद कर दिया जाता है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, पिछले जो अभियान चलाए गए हैं वो समय समय पर चलाए गए हैं और उसके बाद अभी दोबारा उनको रिव्यू करके आगे उसकी और दृढ़ता से पालना की जाएगी। सर देखा गया है वसूली की जा रही है वहाँ पर, बात करें जैसे इको वाले से गाड़ी भरने के पैसे लेते हैं, इस तरीके से वहाँ अपनी मनमानी करते हुए जा रहे हैं। हमारे संज्ञान में इस प्रकार की कोई कंप्लेंट अभी तक आई नहीं है। जो भी इस प्रकार की कंप्लेंट आएगी पुलिस ने उसमें विधि अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ओवरलोडिंग और छतों पर यात्रियों को न बैठने के सख्त निर्देश के बावजूद ये सिलसिला लगातार जारी है। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखना होगा कि रोडवेज प्रशासन इसको लेकर क्या कदम उठाता है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।